हेलो फ्रेंड्स, अनु मिस यूट्यूब हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराधा और आज हम आपको कुछ इंटरेस्टेड ट्रिक के बारे में बताने वाले हैं। लेकिन उसके पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करिए और हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने टॉपिक पे। हमारा आज का एप्लीकेशन है क्लॉक लीव वॉलपेपर। तो दोस्तों, ये ऐप प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, तो वहां से हम इसको डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो थर्ड वाली एप्लीकेशन दिख रही है क्लॉक लीव वॉलपेपर एंड विजिट्स, इसको हम यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। तो दोस्तों, ये एप्लीकेशन हमने पहले से ही डाउनलोड करके रखा है, तो चलिए यूज करके देखते हैं। ये एप्लीकेशन डाउनलोड होने के बाद दोस्तों, आपके होम स्क्रीन पे इस टाइप की दिखेगी। अब यहाँ से इसको हम ओपन कर लेते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे एक बड़ा सा क्लॉक दिख रहा है। अब इसको आप वॉलपेपर के रूप में सेट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके होम स्क्रीन पे ये बड़ा सा क्लॉक हमेशा दिखे, तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से सेट वॉलपेपर पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद फिर यहाँ से सेट वॉलपेपर पे क्लिक कर देंगे। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये आपका होम स्क्रीन कितना अलग तरीके से दिख रहा है और कितना अमेजिंग दिख रहा है। दोस्तों, अगर आप चाहें तो क्लॉक का डिजाइन चेंज भी कर सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों, हम इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, अब राइट साइड की तरफ आप ड्रैग करते जाइए। अब देखिए, यहाँ पे बहुत सारे क्लॉक के डिजाइन दिख रहे हैं। अब जो भी डिजाइन सेट करना चाहते हैं वो डिजाइन यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से सेट वॉलपेपर, फिर से यहाँ सेट वॉलपेपर क्लिक करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्लॉक चेंज हो गया है। दोस्तों, यहाँ पे एक खास बात ये भी है, क्लॉक में ये जो टाइम दिख रहा है ये परफेक्ट है, यानी कि सही टाइम दिखा रहा है। दोस्तों, यहाँ पे आप कुछ सेटिंग्स भी कर सकते हैं, जैसे क्लॉक के पीछे का ये जो बैकग्राउंड दिख रहा है इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे सेटिंग ओपन हो गया है जिसमें बहुत सारी सेटिंग है, आप यूज करके देख सकते हैं। जैसे सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्लॉक साइज, अगर आप क्लॉक की साइज चेंज करना चाहते हैं तो आप यहां से क्लॉक की साइज छोटी या बड़ी कर सकते हैं। नेक्स्ट है बैकग्राउंड कलर, अगर आपको बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है तो यहां से बैकग्राउंड कलर पे क्लिक करेंगे। अब यहां से आप जो भी कलर चेंज करना चाहते हैं वहां पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे दो स्क्रॉल बार दिया हुआ है, इसकी सहायता से आप कलर सेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से ओके कर देंगे। अगर डायल नंबर कलर चेंज करना है तो यहाँ पे थर्ड नंबर पे दिया हुआ है डायल नंबर कलर, इस पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ से हम डायल नंबर का कलर भी चेंज कर सकते हैं। सेट करने के बाद ओके कर देंगे। दोस्तों, अगर आप सेकेंड वाली सुई का कलर चेंज करना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है सेकेंड कलर, इस पे हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ से आप सेकेंड कलर भी चेंज कर सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि डेट भी शो करे तो इसके लिए देखिए यहाँ पे डेट शो, इसके आगे चेक मार्क बना है, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो डेट शो करेगा। अगर आप चाहते हैं कि डेट शो ना करे तो इसको हम डिसलेक्ट कर देंगे तो डेट शो नहीं करेगा, तो हम यहाँ से इसको सेलेक्ट ही रहने देते हैं। उसके बाद अगर आपको डेट का कलर चेंज करना है, डेट कलर पे क्लिक करके आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों, अगर आपको फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है तो यहाँ पे देखिए सबसे नीचे फॉन्ट स्टाइल में यहाँ पे कई सारे स्टाइल दिए गए हैं, यहाँ से आप जो भी स्टाइल सेट करना चाहते हैं उस स्टाइल को सेलेक्ट कर लीजिए। ऐसे ही दोस्तों, इसमें बहुत सारे सेटिंग्स है जिसका यूज करके आप देख सकते हैं। अब यहाँ से बैक आ जाते हैं, आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्लॉक कम्प्लीटली चेंज हो चुका है, बैकग्राउंड वगैरह सब कुछ चेंज हो गया है। अब यहाँ से इसको सेट करना है तो सेट वॉलपेपर पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद फिर से सेट वॉलपेपर, आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्लॉक कम्प्लीटली चेंज हो गया है। ये क्लॉक कौन से ब्रांड का है, यहाँ पे लिखा हुआ है पैरासोनिक। अगर आप ये ब्रांड चेंज भी करना चाहते हैं, यहाँ पे कुछ और लिखना चाहते हैं तो ये भी आप कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ सेटिंग में जाएंगे। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे देखिए लेबल, लेबल के आगे यहाँ पे पैरासोनिक लिखा है, यहाँ पे आप क्लिक करिए। उसके बाद आपको जो भी नाम यहाँ पे चेंज करके लिखना है आप यहाँ पे लिख सकते हैं। लेबल कलर चेंज करने के लिए यहाँ पे लेबल कलर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे लेबल का जो भी कलर सेट करना है आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं।
ओके कर देंगे। ऐसे ही आप मिनट और आवर का कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे मिनट एंड आवर कलर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे लेबल चेंज हो चुका है। तो इस तरीके से दोस्तों ये बहुत ही अच्छी ऐप है जिसका यूज आप जरूर करिएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो जरूर पसंद आई होगी और अगर पसंद आई होगी तो प्लीज दोस्तों लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।